दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज का हमारा प्रश्न है, कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब में दिया गया है, जिसका अभ्यास है परमाणु एवं अणु। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए, डाल्टन के द्रव्यमान संरक्षण के पुष्टि के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यह है, जल का एक अणु है, इसका वजन दिया गया है, यानी जल के अणुओं के जो परमाणु है, जल H2O होता है, इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है। जल के एक अणु में 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है और 9 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु है। और ये हमारा प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है दोनों, यानी जल का अणु है और उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का परमाणु है और 8 ग्राम ऑक्सीजन का परमाणु है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन, यदि इसकी मात्रा कितनी कर दी जाए, 3 ग्राम कर दी जाए, हाइड्रोजन की मात्रा ये 3 ग्राम कर दिया जाए, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यानी एक जल के अणु बनाने के लिए, जल का एक अणु बन रहा है, H2O बन रहा है, तो इसमें 1 ग्राम क्या लग रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या लग रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, एक जल के अणु को बनने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के भार का है, द्रव्यमान का अनुपात है। तो अब कितने भी जल के अणु बने, तो निश्चित है जल के अणुओं के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में अनुपात निश्चित रहेगी, चाहे उसकी संख्या 1 हो 2 हो 3 हो। अब हमको क्या करना है, 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना है। तो ये 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, यदि तीन इस दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और 3 + 8 = 24, ये 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 24 ग्राम क्या आ जाएगा, 24 ग्राम हमारा ऑक्सीजन परमाणु लगेगा। यानी जल के 3 अणु बनाने के लिए, जल के कितने अणु बनाने के लिए, यदि जल का 3 अणु बनना है, 3 अणु बनने के लिए, जल के 3 अणु बनने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा और 24 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु लगेगा। यहाँ उत्तर हमारा आ जाएगा 24 ग्राम। 24 ग्राम क्या लगेगा, 24 ग्राम हमारे ऑक्सीजन परमाणु की ज़रूरत होगी जल के 3 अणु बनाने के लिए।